हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ रंजना, रंजना लुक बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लिविंग रूम के डेकोरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, बजट फ्रेंडली है, तो मैंने इसमें बहुत कम खर्च में अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है। तो चलिए देखिए और बताइए। मेरी कोशिश यही थी कि कम से कम डेकोरेटिव आइटम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं डेकोरेटिव आइटम रखते हैं, उतना ही ज़्यादा क्लीनिंग करना मुश्किल होता है। इस बार सिर्फ आर्टिफिशियल प्लांट और रियल प्लांट यूज किए हैं मैंने। तो ये देखिए, यहाँ पे लाइट ऑफ करने पे कुछ इस तरह की लुक आती है, ऐसा दिखता है यहाँ पे। और लाइट जलाने के बाद ये देखिए, जब लाइट जलाइए तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो सिर्फ ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट है और कुछ रियल प्लांट ही हैं, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि डस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाती है करना। ऐसे कम सामान हो तो क्लीन करना भी आसान रहता है, डेली बेसिस पे आप क्लीन कर सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल पे मैं डेली यूज वाला ही सामान रखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा हुआ है, बस वही चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर यूज होता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन है उन सभी की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे उन सभी की वीडियो आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि महंगे सामान हो तभी रूम में कवर हो सकता है, कम रेंज का भी हो तो भी चलता है, बट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। मेरी माने तो आप किसी भी रूम के मेकओवर कर रहे हैं तो पहले लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने से होता ये है कि हम जिस रूम की मेकओवर करना चाहते हैं, जिस तरह का हम थीम रखना चाहते हैं, हम एक नोट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सामान लाते हैं जो जो हमें चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक ही बार में चेंज करें, धीरे धीरे करके भी चेंज कर सकते हैं। जो एक बार में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, जो धीरे धीरे करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है कि आप आसपास के नियर बाई दुकान में, आप कहीं पर शॉप पर देखिए, अगर कम रेंज में आपको ये सामान मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन सारा सामान मिलता है, मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे बेटर रहता है, पता भी नहीं चलता और पूरे रूम का मेकओवर भी हो जाता है। मनी प्लांट सभी को पता है कि इंडोर आउटडोर दोनों जगह रह जाता है, ये एयर प्यूरीफायर भी रहता है और ये होम डेकोर के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है। ये जहाँ भी रखिए घर में, ये सुंदर लुक देता है, देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी इसको रख दीजिए। यहाँ पर इसे रखने के बाद मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहिए, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे रूम के किस कॉर्नर के डेकोरेशन आप लोग को अच्छी लगी। कुछ दिन पहले मैं आप लोग के साथ शेयर की थी लिपन आर्ट के वीडियो, जो मैं अपने थीम के अकॉर्डिंग उसे बनाई थी, तो ये देखिए मैं उसे यहाँ पर लगाई हूँ। आप लोग बताइएगा ये कैसा लगा। मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बट ना तो आप लोग शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कोई कमेंट आता है, बस कुछ ही लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रखे हैं मेरे चैनल को। मुझे स्टोन पेंटिंग बहुत पसंद है, आप लोगों में से किस किस को पसंद है बताइएगा। ये देखिए, मैं ऑनलाइन स्टोन मंगवाई थी, कुछ को पेंट किया है, कुछ अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्लांट में ही अच्छा लगता है, इसे आप डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, किचन, विंडो, आप हर एक जगह इसको रख सकते हैं, ये कहीं भी अच्छा लगता है, जहाँ पे भी आप रख दें, जहाँ आपको पसंद हो इसको वहाँ रख सकते हैं। और इसकी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये कभी ख़राब ही नहीं होता, आपका जब भी मन भर जाए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं ऐसे बनाई थी इस पर। पेंटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्रोफेशनल हो तभी हम पेंटिंग कर सकते हैं, जितना आता है, जो भी आता है वो हम पेंट कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, बट इतना होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसे देख के हम खुश हों, बस इतना काफ़ी रहता है। आप में से जिन जिनको ये स्टोन पेंटिंग पसंद है, तो ऑनलाइन तो मिलता ही है, अगर ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ पर ऐसे स्टोन है तो आप वहीं से उठा लाइए और मेरी तरह आप भी पेंटिंग कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। मैं अधिकतर सामान ऑनलाइन भी मंगवाती हूँ, आसपास मेरे शॉप जो है उस पर रेट भी ज़्यादा रहता है
और कभी कभी मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है, या एक बार हम लाए और दोबारा वही चीज़ लेना है तो नहीं भी मिलता है। अगर आप लोग के आसपास कुछ ऐसा है शॉप जहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है तो आप वहीं से ले तो ज़्यादा बेटर है। घर को डेकोर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा महंगे डेकोरेटिव आइटम हो तभी घर अच्छा लगता है, जो घर में है उसे भी सही ढंग से अगर अरेंज किया जाए तो घर अच्छा लगता है। मुझे अपने घर के हल्के डेकोरेशन ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी डस्टिंग आसान रहती है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता और घर डेली बेसिस पे अच्छा रहता है। इसे क्लीन आराम से आप कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा सामान रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और डेली क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसे। ये देखिए मेरे लिविंग रूम से सटा हुआ बालकनी है, मैंने पौधे में जब फर्टिलाइजर में डाली थी तो आप लोग के साथ वीडियो शेयर की थी। ये देखिए अभी बारिश हो रही है तो बाहर अंधेरा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट चलाने के बाद बस इतना ही दिख रहा है इधर। ये देखिए मेरे पौधे ऐसे हैं। मैं बालकनी की मेकओवर करूँगी तो आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। जिनके पास टाइम नहीं है पौधों को केयर करने के लिए या जो नहीं कर पाते हैं वो इनडोर आर्टिफिशियल प्लांट रखे वो भी अच्छा रहता है। ये देखिए मेरे पौधे हैं। आप लोगों को मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। इंटर करते ही मेरे लिविंग रूम में कुछ इस तरह के व्यू है, आप लोग देखिए और बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। और हाँ, मैं गर्मी के दिनों में ऐसे दरी इस्तेमाल करती हूँ, कारपेट नहीं, क्योंकि कारपेट क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, वो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और दरी में अलग अलग कलर के कलर रहता है जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और इसके लुक बड़े सुंदर आते हैं। बॉटल की पेंटिंग भी अच्छी रहती है। ये देखिए मैं अपनी बेटी की पेंटिंग इसमें बनाई हूँ, वो सामने रही पिक में। ये अभी तो ट्रेंड में है, ये बहुत साल पहले 5-6 साल पहले मैं इसे पुणे एग्जीबिशन में देखी थी, उस टाइम भी बहुत महंगा मिलता था और आज भी है, ऑनलाइन भी मिलता है ऑफलाइन भी मिलता है, मॉल में भी मिलेगा आपको और यार डेकोरेटिव आइटम जहाँ पे जिस शॉप में मिलता है वहाँ भी मिलेगा। ये 2 के पेयर मिलता है, 3 के पेयर मिलता है, ऐसे मिलता है, बट जितना इसकी जिस तरह की पेंटिंग हुई उस अकॉर्डिंग इसकी प्राइस भी होगी। पेंटिंग वाली बॉटल आपको हर एक वेबसाइट पर मिलेगा, जहाँ भी आप चेक करें जिससे लेना चाहे उससे ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आपको भी पसंद है पेंटिंग करनी जो भी आता है तो आप मेरी तरह कर सकते हैं। घर में पड़े खाली बोतल से आप जिस तरह के चाहें उस तरह के बना सकते हैं। यहाँ पर एक अलमीरा था जो कि पूरी तरह से जंग लगा हुआ था, जिसकी पेंटिंग निकली हुई थी, मैं इस पर कलर की हूँ। ये देखिए अब देखने में अच्छा लग रहा है, इसकी हालत बहुत बुरी थी, ये पता नहीं मेरे जाने के बाद शायद एक कबाड़ में चला जाता, पर इसकी अब लाइफ लंबी हो गई है। अब ये देखने में भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए इसके अपोजिट सामने वाले बॉल पर मेरे बच्चों की फ़ोटो लगी है। ये देखिए और इसे मैच करते हुए मैं एक मिरर लगाई हूँ। ये मिरर 8 साल पुराना है, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा लोग बनाते थे, मैं भी बनाई थी, पहले मैक्रम का बनता था, अब तो यही डिजाइन है बट ये कॉटन थ्रेड में आता है। इतने सालों बाद भी ये अच्छा लगता है, जिस कॉर्नर में इसको लगाते हैं वहीं ये सुंदर लगता है। आप लोग बताइएगा आपको ये कैसा लगा। खरीद के सामान हम घर को डेकोर कुछ घंटों में कर लेते हैं, बट जो हाथों से बना हुआ रहता है उसकी खुशी बहुत अलग होती है, जो कि लंबे टाइम तक जब भी हम देखते तो हमें याद आता है वो पल जब हम उसे बनाए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।